नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम की तरफ से नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी को विदित है, नवरात्रे के हर दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजन अर्चना की जाती है। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज के दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी मां चंद्रघंटा की पूजन की जाती है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इस कारण से इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। देवी का यह स्वरूप साहस और वीरता का एहसास कराता है। यह देवी पार्वती का ही रौद्र रूप है। माँ का शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल है, वे सह पर आरूण है, अर्थात इनका वाहन सह है, तथा 10 हाथों से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। इनके 4 हाथ में कमल फूल, धनुष, जप माला और तीर हैं। 5वां हाथ अभय मुद्रा में रहता है, वहीं 4 हाथों में त्रिशूल, गदा, कमंडल और तलवार है। 5वां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। मान्यता यह भी है कि भक्तों के लिए माता का यह स्वरूप बेहद कल्याणकारी है। सिंहारूण माँ चंद्रघंटा युद्ध के लिए तत्पर है एवं उनके घंटे से निकलने वाली प्रचंड ध्वनि असुरों को भयभीत करती है। माता चंद्रघंटा की उपासना साधक को आध्यात्मिक एवं आत्मिक शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले उपासक को संसार में यश, कीर्ति एवं सम्मान मिलता है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण है। इनकी आराधना करने वाले में वीरता, निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का संचार उनके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण का विकास करता है। स्वर दिव्य हो जाता है एवं उसमें अलौकिक माधुर्य का वास होता है। इनके भक्त का आगमन से वातावरण में सुख शांति का संचार होता है। माँ चंद्रघंटा के साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का सतत विकिरण होता है, जो साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देता, परंतु आराधक एवं उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को इसका अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। तो आइए हम माँ चंद्रघंटा की स्तुति कर आपको उनकी कथा से अवगत कराते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पौराणिक कथा के अनुसार जब दानवों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का स्वरूप लिया। महिषासुर नामक राक्षस देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त कर स्वर्गलोक पर राज करना चाहता था। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस परेशानी के हल के लिए देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सहायता मांगी। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध आने के कारण तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। उससे एक देवी उत्पन्न हुई जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने भी माता को अपना अपना अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुँच गई। माँ का यह स्वरूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। अपदुतारिणी त्वयि आद्याः शक्तिः शुभ परा अणिमादि सिद्धि दात्री चंद्र घंटे प्रणमा मम मयम् इंद्रमुखी इष्ट दात्री इष्टम मंत्र स्वरूपिणीम धन दात्री आनंद दात्री चंद्र घंटे प्रणमा मम मयम् नाना रूप धारिणी इक्षामयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यरोग्यदायिनी चंद्रघंटे प्रणमामय। आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे अगले वीडियो में
हम आपको माँ कुष्मांडा की कथा से अवगत कराएंगे। तो इस नवरात्रि स्पेशल सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल स्पॉन्टेनियसली ऑसम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप इस सीरीज से जुड़े किसी भी अपडेट को मिस ना कर पाएं। जय माता दी।